फ्रेंड्स, नीट 2020 एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ चुका है। पेन और पेपर बेस्ड मोड यानी ऑफलाइन मोड नीट एग्ज़ाम 3 मई 2020 को कंडक्ट किया जाएगा। जी हां फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सीमा गुप्ता, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर, और आज के वीडियो में जानते हैं नीट एग्ज़ाम क्या है। नीट से रिलेटेड आपके मन में कई प्रश्न होंगे, अभी भी आपके दिमाग में एक प्रश्न चल रहा होगा कि डॉक्टर आखिरकार कैसे बना जाए, क्या इसके लिए कोई शॉर्टकट है। सो पेशेंस के साथ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, आपको कुछ आज नया मिलने वाला है। नीट परीक्षा की ए टू जेड को इस वीडियो में शामिल करने की मैंने ट्राई की है, क्योंकि आज से 3 साल पहले मैं भी अपने बेटे के लिए इस तरह की इन्फॉर्मेशन को सर्च किया करती थी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज नीट एग्जाम। फ्रेंड्स, नीट का फुल फॉर्म नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में नीट कहा जाता है। हिंदी में नीट की फुल फॉर्म है राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा। नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट एक नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूशन चलाता है, जो पूरे देश के छात्रों के लिए MBBS, BDS, MS, MD और MDS के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स का आयोजन करता है। फ्रेंड्स, आपने PMT वर्ड भी जरूर सुना होगा, इसे भी जान लेते हैं कि PMT क्या है। प्री मेडिकल टेस्ट को शॉर्ट में PMT कहते हैं। 2016 से पहले भारत के अलग अलग स्टेट अपने कोटे की सीटों के लिए अपना मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम आयोजित किया करते थे। उसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट की परीक्षा आयोजित करता था, जिसे AIPMT कहा जाता था। अब AIPMT और राज्यों के PMT को मिलाकर पूरे इंडिया के स्टेट्स के लिए एक ही एग्जाम कंडक्ट होता है, जिसे नीट कहा जाता है। फ्रेंड्स, AIPMT में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के 15% MBBS एवं BDS की सीटों को सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोटे के तौर पर भरा जाता था, बाकी बचे 85% सीटों को स्टेट गवर्नमेंट अपने एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भरा करते थे, जबकि प्राइवेट कॉलेज भी अलग से एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करते थे। सो एक स्टूडेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा आयोजित मेडिकल प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भरना होता था। परीक्षा का प्लेस और डेट भी अलग होता था। इसके अलावा प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेज के भी फॉर्म अलग से भरने होते थे, जिससे छात्रों को अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी करनी होती थी। फॉर्म भरने एवं अलग अलग स्थानों पर जाकर परीक्षा देने का खर्च भी उन्हें ही वहन करना पड़ता था। इसके अलावा इतने एंट्रेंस एग्जामिनेशन में धांधली होने के चांसेस भी रहते थे। फ्रेंड्स, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सत्ता में आने के बाद मानो सब कुछ बदल ही गया। इन सब परीक्षाओं की जगह एक नीट परीक्षा कंडक्ट होना 2016 से शुरू हुआ था। आइए अब जानते हैं नीट एग्जाम से किन कॉलेजों में एडमिशन मिलता है। गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट मेडिकल एवं डेंटल कॉलेजों में एडमिशन सिर्फ और सिर्फ नीट परीक्षा के द्वारा ही होता है। इस बार 2020 के नोटिफिकेशन में साफ कर दिया गया है कि एम्स एवं जिपमर का एग्जाम भी नीट ही आयोजित करेगा, जो कि 2019 तक अलग अलग हुआ करते थे। सभी तरह के कोटा को नीट परीक्षा के द्वारा ही छात्रों को एडमिशन मिलता है, चाहे वह स्टेट गवर्नमेंट का कोटा हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का या प्राइवेट का। अब जानते हैं नीट परीक्षा कितने प्रकार के होते हैं। फ्रेंड्स, ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला नीट UG और दूसरा नीट PG। नीट UG परीक्षा का आयोजन MBBS और BDS अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन के लिए होता है, जबकि नीट PG परीक्षा का आयोजन MS और MD पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए होता है। नेक्स्ट, नीट परीक्षा का आयोजन कौन सी संस्था करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने NTA नाम का एक संस्था को स्थापित किया है, जो पूरी तरह से ऑटोनोमस और सेल्फ सस्टेन प्रीमियर टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो पूरी तरह मॉडर्नाइज है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करता है। NTA के वेबसाइट पर ही आपको नीट परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की सुविधा उपलब्ध होती है। इसके अलावा आप इस वेबसाइट पर आंसर की और रिजल्ट्स देख सकते हैं। इस वेबसाइट का ऑफिशियल एड्रेस है ntaneet.nic.in। फ्रेंड्स, नीट 2020 से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट डेट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, JEE एग्जाम की तर्ज पर ही पहले यह सुनने में आ रहा था कि नीट एग्जाम भी 2 बार होगा, किंतु अब यह तय हो चुका है कि नीट परीक्षा का आयोजन साल में 1 ही बार होगा। परीक्षा का आयोजन भी पेन व पेपर के माध्यम से कराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आधार कार्ड की अनिवार्यता तत्काल लागू नहीं की गई है। सभी भाषाओं के प्रश्न पत्र सेट एक ही जैसे होंगे। ओपन से प्लस टू करने वाले छात्र भी इस बार नीट की परीक्षा दे पाएंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि अब तक आप जान ही चुके होंगे कि नीट परीक्षा की डेट का नोटिफिकेशन आ गया है। MBBS व BDS की तैयारी करने वाले छात्र, जिसका लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, एग्जाम डेट 3 मई रविवार 2020 दिन के 2 से 5
5 यानी 3 मई 2020 संडे को दोपहर 2 बजे से शाम के 5 बजे घोषित हुआ है। ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 2 दिसंबर से 31 दिसंबर 2019 है। आई होप आपने अभी तक फॉर्म भर ही लिया होगा। एडमिट कार्ड इशू होने की डेट है 27 मार्च 2020। नीट एग्जाम का रिजल्ट 4 जून को प्रपोज है। एप्लीकेशन करेक्शन की प्रोसेस 15 जनवरी से 31 जनवरी 2020 के बीच उपलब्ध होगी। एप्लीकेंट्स अपने फॉर्म में गलतियों को सुधारना चाहते हैं तो वो 31 जनवरी तक सुधार करवा सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं नीट 2020 प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए क्राइटेरिया। स्टूडेंट्स को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ अपनी 10+2 की शिक्षा पूरी करना जरूरी है और उन्होंने मिनिमम 50% अंक और इन द केस ऑफ रिजर्व कैटेगरी 40% अंक प्राप्त किए हों या जिसने 2020 का बोर्ड एग्जाम दिया हो। फ्रेंड्स, मिनिमम एज 2020 के 31 दिसंबर या उससे पहले एप्लीकेंट कम से कम 17 वर्ष का होना चाहिए। मैक्सिमम एज एप्लीकेंट 25 वर्ष से कम और अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए है और 30 साल एससी एसटी ओबीसी के लिए होना चाहिए। अब नेशनैलिटी, एप्लीकेंट्स इंडियन नेशनल्स और नॉन रेजिडेंट इंडियंस NRIs, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडियंस OCIs, persons ऑफ इंडियन ओरिजिन PIOs और फॉरेन नेशनल्स हो सकते हैं। फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से नीट 2020 के एप्लीकेंट्स ऑल इंडिया 15% कोटा के हकदार होंगे यदि वे सेल्फ डिक्लेरेशन सबमिट करते हैं। अब जानते हैं नीट का सिलेबस क्या है। नीट सिलेबस नीट 2019 की तरह ही रहेगा। नीट 2019 के सिलेबस के हिसाब से आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। CBSE के 11वीं और 12वीं कक्षा के सिलेबस में कुछ बदलाव हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करें। CBSE के 11th और 12th कक्षाओं के सिलेबस से ही नीट प्रवेश परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, नीट एग्जाम का पैटर्न क्या है। नीट परीक्षा का मोड ऑफलाइन होता है जिसमें पेपर पेन से एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 180 होती है जो 4 विषय जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी और बॉटनी में बराबर डिवाइड होता है। एक प्रश्न का सही उत्तर करने पर 4 मार्क्स मिलते हैं जबकि एक प्रश्न का गलत उत्तर देने पर 1 मार्क टोटल मार्क से कम कर दिया जाता है। फ्रेंड्स, नीट 2020 में MBBS सीटों की संख्या कितनी है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में MBBS और BDS की नियर अबाउट 65,000 सीटें हैं जिनमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज शामिल हैं। फ्रेंड्स, सीटों का नंबर घट सकता है या बढ़ भी सकता है क्योंकि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा हर साल कॉलेजेस की रिकॉग्निशन बदलती है। किसी की रिकॉग्निशन खत्म हो जाती है तो कुछ नए मेडिकल कॉलेजेस को रिकॉग्निशन मिल जाती है। भारत के सभी मेडिकल कॉलेजेस के लिए और इस साल 2020 से एम्स और जिपमर के लिए भी प्रवेश परीक्षा का आयोजन नीट करता है जिसमें 15% सेंट्रल गवर्नमेंट का कोटा है जिससे भारत के किसी भी छात्र को एडमिशन मिल सकता है। अब जानते हैं हर साल नीट में स्टूडेंट्स की संख्या कितनी होती है। फ्रेंड्स, नीट 2017 में 11 से 12 लाख छात्रों ने अपनी किस्मत को आजमाया था। नीट 18 में 12 से 13 लाख छात्र और नीट 19 में लगभग 15 लाख छात्रों ने नीट परीक्षा में शामिल होने के लिए फॉर्म भरा था और नीट 2020 के लिए भी 15 से 16 लाख स्टूडेंट्स अपीयर होने का अनुमान है। फ्रेंड्स, अब तक आपने नीट का फॉर्म तो भर ही लिया होगा। ध्यान इस बात का रखें कि भविष्य में फिर से लॉगिन होने के लिए अपनी आईडी और पासवर्ड को याद रखें, इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। अब जानते हैं नीट काउंसलिंग कब और कैसे होता है। फ्रेंड्स, नीट रिजल्ट 2020 मई के पहले या दूसरे सप्ताह में जारी होगा जिसे नीट अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन जारी करता है। रिजल्ट के बाद काउंसलिंग की डेट घोषित होती है और 3 से 4 काउंसलिंग तक होती हैं। अब नीट की काउंसलिंग कैसे करें। काउंसलिंग प्रोसेस में क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक होता है। एक बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अपनी प्रेफरेंस के अनुसार कोर्स और कॉलेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन के बाद आप उसे लॉक कर सकते हैं। आपके नीट रैंक के आधार पर सीट एलोकेशन 3 राउंड में कंडक्ट की जाती है। हालांकि अधिकांश संस्थान एक सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग प्रोसेस ऑनलाइन सेंट्रल काउंसलिंग का पालन करते हैं लेकिन कुछ स्टेट्स में उनकी अपनी काउंसलिंग प्रोसेस हो सकती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कैसे होता है। काउंसलिंग के बाद कैंडिडेट्स को स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर अलॉटेड कॉलेजेस में रिपोर्ट करना होता है। उसके साथ जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी साथ ले जाना होता है। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसमें आपको चाहिए हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट मार्कशीट, हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट पासिंग सर्टिफिकेट, नीट 2020 एडमिट कार्ड, नीट 2020 रैंक लेटर, कैटेगरी सर्टिफिकेट फॉर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट
कैंडिडेट्स, बर्थ सर्टिफिकेट, 8 to 10 पासपोर्ट साइज फोटोज, ऑनलाइन अलॉटेड सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी प्रूफ और फोटोकॉपी ऑफ ऑल सर्टिफिकेट्स। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी नीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर यूजफुल होगी। आने वाले वीडियोज़ में नीट क्रैक कैसे करें ऐसे भी टिप्स मैं आपके लिए लाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे बेटे ने भी फर्स्ट अटैम्प्ट में HP स्ट्रीम में 34 रैंक लेकर नीट क्रैक किया था इन नीट 2018। सो बने रहे आयुर्वेद गाइड चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए आज ही और ऐसे अपडेट्स पाने के लिए।